क्या ये दुनिया का अंत है? क्या सच में दुनिया खत्म होने वाली है? जी हाँ, ये है सन 3001। पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, बचे कुछ लोग थे जो स्पेस में रह रहे हैं। इंसानों ने जानवरों को भी नहीं छोड़ा, उन पे भी एक्सपेरिमेंट करके उनको भी म्यूटेंट क्रिएचर में कन्वर्ट कर दिया है, और अब उनको मार्स पे जाना है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि मार्स पे जीवन है। पृथ्वी को तबाह करने के बाद अब ये जाने वाले हैं मार्स पे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। वहाँ पे कुछ क्रिएचर्स हैं, यानी एलियंस हैं, जिनको मारने के बाद ही इंसान मार्स पे बस सकता है। अर्थ पे सर्वाइव करके वहाँ से रॉकेट लेकर के मुझे जाना होगा मार्स पे, और एलियंस को वहाँ से मारना होगा, तभी जो हम अपनी नई जिंदगी बसा सकते हैं मार्स पे। यही मेरा मिशन है। क्या इसमें मैं अपने 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा? चलिए देखते हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ अर्थ पे, और ये पूरी तरह इंसानों द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, यानी कि पूरा सूख गया है। ना तो यहाँ पे कोई जानवर बचा है, ना यहाँ पे कोई इंसान बचा है, साथ ही में पेड़ पौधे और कोई भी इन्वायरमेंट भी नहीं बचा है। फिलहाल मेरे पास एक क्विस्ट बुक है और एक एडवांस शील्ड है, जो कि मुझे हेल्प करेगी सर्वाइव करने में। मिशन मेरा स्टार्ट हो चुका है, स्टोरी आपको समझ में आ चुकी है। आई होप कि हमारा ये सफर जो है आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा जाए, और मुझे कुछ क्विस्ट थे जो कंप्लीट करने हैं, यानी कि मुझे एक पूरी की पूरी डायरी मिली है जो क्विस्ट के साथ भरी हुई है, और उसको मुझे कंप्लीट करना है। तो पहला क्विस्ट तो मैंने कंप्लीट कर लिया, कोबलस्टोन बनाने का। फिलहाल आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेरे चारों तरफ कोई भी एक भी पेड़ नहीं है, तो मैं टूल्स कैसे बनाऊंगा? तो टूल्स बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, मैं इसमें स्टोन के ही टूल्स बनाऊंगा, और स्टोन की ही क्राफ्टिंग टेबल होगी मेरी, यानी कि लकड़ी का आप कोई काम है ही नहीं। लेकिन लकड़ी का भी काम है, वो आगे जाके पता चलेगा कि मैं लकड़ी कैसे लेके आऊंगा। तो चलिए देखते जाइए। फिलहाल मैंने अपनी एक पिकेक्स बना ली थी, रात बहुत ज्यादा हो रही थी, और हाँ, आसपास कुछ है ना मीटियर्स गिरे हुए थे, यानी कि एस्ट्रॉइड मीटियर्स गिरे हुए थे, इनके अंदर मुझे बहुत सारी लूट मिलने वाली थी। साथ ही में इसमें वेन माइनिंग भी है, तो यानी कि मैं एक ही पिकेक्स से बहुत सारे एक जैसे पत्थर तोड़ सकता था। मुझे थोड़ा बहुत भाई आयरन वगैरह भी मिल गया। अब रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, और रात को यहाँ पे कहर टूटता है, इसलिए मैं जा करके एक गुफा बना करके उसमें बैठ गया। रात को कुछ काम होता नहीं है, इसलिए भाई मैंने थोड़े क्विस्ट वगैरह कंप्लीट किए थे, उनके रिवॉर्ड मैं कलेक्ट कर रहा था। रिवॉर्ड कलेक्ट करते हुए मुझे पता चला कि इसमें डर्ट किस तरीके से बनानी है। डर्ट बनाने के लिए मुझे स्टोर के अंदर एक चेस्ट मिलेगी, उसके अंदर कुछ सीड होंगे, उसको वेस्टलैंड स्टोन के साथ मिला करके मैं डर्ट बना सकता हूँ। और टास्क कंप्लीट करते हुए मुझे एक शॉप भी मिली, यानी कि एक रिवॉर्ड था, और इसके अंदर मैं बहुत सारा फूड, वेपन, माइनिंग से रिलेटेड और कुछ अलग अलग मोब्स की आत्माएं भी थी, जिनका मैं बाद में यूज कर सकता था। खरीदने के साथ साथ मैं इसमें सेल भी कर सकता था, जैसे आयरन, गोल्ड। और भाई मेरे पास $50 थे, मतलब $50 इन्होंने मुझे दिए। अब इस गेम की जो सबसे बेस्ट चीज होने वाली है ना, वो है माइनिंग। इसमें माइनिंग इतना ईजी है ना, मुझे जमीन के नीचे नहीं जाना पड़ेगा, ना ही डायमंड के लिए, ना आयरन के लिए, ना लैपिस के लिए। मुझे सारे के सारे रिसोर्सेज जो है मीटियर से ही मिल जाएंगे, साथ ही में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मिल जाएंगी। दिन हो चुका था, सारे के सारी चीजें मैंने अपनी समेट ली। ऊपर आते के साथ ही भाई मैंने सबसे पहले एक मोटा सा चूहा देखा, यानी कि रैट, उसको मैंने मारा, और फिर दोबारा मैं माइनिंग करने लग गया, और ये बहुत जरूरी थी। माइनिंग करते करते शाम हो चुकी थी, डर्ट मैंने बना ली थी, तो इसके ऊपर मैंने एक ओक ट्री के सैपलिन लगाई और ताता थैया करने लग गया, क्योंकि इसी से ये पेड़ बड़ा होता है। देखते ही देखते पेड़ बहुत बड़ा हो चुका था, मतलब ये एक चमत्कार था भाई। वेस्टलैंड मिट्टी में भाई पेड़ उगाना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन 4x4 है तो मुमकिन है। फिर से रात हो चुकी थी, तो मैंने भाई फिर से उसी गुफा में, मतलब उसी में नहीं, दूसरी गुफा में अपनी रात बिताई। दिन होने के बाद मैंने कुछ पेड़ लगा चुका था रात को ही, जो कि भाई सुबह तक बड़े हो चुके थे, तो मैंने उनको काट लिया। और हाँ, थोड़ी चूहा पार्टी भी चल रही थी भाई, उसमें मैंने भी आगे थोड़ा हिस्सेदारी दिखाई और उनको मार करके उनसे मीट ले लिया, क्योंकि ये मीट मैं पका के खाने वाला था बाद में। फिलहाल दिन बहुत अच्छा जा रहा था, जब तक मुझे ये K9 रोबोट नहीं दिखा। भाई इसने मुझे पता नहीं क्या लेजर वाली एक गन मारी, और मेरे 3 से ज्यादा हार्ट एकदम से चले गए, क्योंकि मेरे पास आर्मर भी नहीं था। लेकिन एक चीज अच्छी थी भाई, मेरे पास एक पैराशूट था, मतलब एक ग्लाइडर था। मैं इसीलिए भाई एक हाइट पे भागने की कोशिश करने लगा, और वहां पे चढ़ के मैंने छलांग मार दी, और मेरा ग्लाइडर ओपन हो गया। क्या बाल बाल बचा भाई मैं उस रोबोट से, सच में। थोड़ी मेहनत करने के बाद मैंने अपने लिए भाई 4 दीवारी खड़ी कर ली थी। हाँ, ये चिकन कूप की तरह लग रहा था, मतलब दड़बा होता ना मुर्गियों का, लेकिन इसमें मैं ही रहने वाला हूँ भाई कुछ दिनों के लिए, टेम्परेरी घर समझ लो। फिलहाल यहाँ पे एक पेड़ लगा दिया था मैंने, कुछ टोर्चे वोर्चे लगा दी थी, और भाई मैंने शॉप देखी, उस शॉप में काफ़ी महंगी महंगी चीज़ें थी, उसमें कॉइन्स वगैरह बेच करके मतलब मैंने थोड़े पैसे कमा लिए थे, और उससे मैंने एक पिस्टल खरीद ली भाई। मुझे नहीं पता इस पिस्टल का क्या डैमेज होने वाला है, तो मैं इसको टेस्ट करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। मैं बाहर की तरफ गया, मैंने एक ज़ॉम्बी देखा, लिटरली गया, जिसका बहुत अच्छा डैमेज था भाई, 3 शॉट में मर गया वो। और अगले दिन भाई वो लेज़र वाला मेरे को फिर से मिला, और मैंने कोशिश करी उसके पास जाने की, उसको मारने की, लेकिन मैं उसको मार नहीं पाया, और भाई मैं खुद मरते मरते बचा, तो मैं वहाँ से भाग गया।
भाई ये जो माइनिंग करने के बाद मैं बिल्ड करे घर पे जो ग्लाइडर से वापस आता था ना, वो सच में गाइस बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। मतलब बहुत मज़ा आता था भाई, मैं कितनी जल्दी घर पहुँच जाता था। तो भाई मैं काफ़ी सारे और निकाल निकाल के लेके आ रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था उनको डबल कैसे करूँ, क्योंकि इसमें भाई जो मॉडर्न माइनक्राफ्ट होता है उनमें चीज़ें डबल भी हो जाती हैं। तो भाई मैंने एक बनाया क्रैंक। तो क्रैंक के अंदर भाई एक तरह की चक्की होती है, इसके अंदर मैंने और डालना शुरू किया, लिटरली उससे भाई चीज़ें डबल हो रही थी यार, मतलब आयरन वगैरह डबल हो रहा था। तो मैंने भाई ब्रोंज को डबल किया और ब्रोंज से एक पैक्सल बना लिया। अब पैक्सल क्या होती है, पैक्सल भाई एक तरह की कुल्हाड़ी होती है और उसमें एक्स, शॉवल और पिकैक्स, ये तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं। तो अब बारी थी भाई एक प्रोटेक्शन बनाने की, यानी कि आर्मर। मेरे पास बहुत सारा ओस्मियम था और ये डायमंड से और आयरन के बीच में होता है, मतलब डायमंड जितना पक्का नहीं, आयरन से पक्का। तो भाई ये आर्मर मैंने बनाया और भाई मुक्को वुक्को भाई, मतलब एकदम फुल एक्साइटेड था मैं फाइट करने के लिए। और मेरी पहली शिकार थी एक स्पाइडर, मतलब स्पाइडर ठीक है भाई, दिन में तो स्पाइडर को दिखाई भी नहीं देता माइनक्राफ्ट में, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था फाइट करने में। तो भाई मैंने बहुत सारी माइनिंग की और माइनिंग कर करके माइनिंग ही की, क्योंकि अभी मेरा काम माइनिंग का ही था। अरे कहना क्या चाहते हो? जिनको नहीं पता भाई मैं बता दूं, इस गेम का नाम माइनक्राफ्ट है और माइन का मतलब होता है माइन करना, और माइन के बगैर माइन नहीं हो सकती और माइन के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते इस गेम में, मतलब माइनिंग बहुत जरूरी है। लेट्स गो बॉयज। बहुत सारी माइनिंग करने के बाद भाई मैं कीमती कीमती सामान लेकर के घर की तरफ आ गया। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था घर पे आने के बाद, और मैं ही नहीं सभी परेशान होते हैं, क्योंकि भाई माइनक्राफ्ट में बेड बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और यहाँ पे तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो भाई मैंने वूल बनाने के लिए बहुत सारी स्ट्रिंग इकट्ठा की और उस स्ट्रिंग से बनाया, सबसे पहले मैंने वूल और लकड़ी को मिला करके मैंने बना दिया बेड। और इस बेड पे भाई आहा क्या नींद आई। एक बहुत अच्छी नींद के बाद सुबह सुबह मैं उठा, मैंने अपने पेड़ देखे, अलग अलग सैपलिन वाले पेड़ मैंने लगाए थे जो कि मुझे मीटियर वाली चेस्ट के अंदर मिल गए थे। लेकिन सुबह मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ पे एक क्रीपर था भाई। उसके बाद मैं अपनी शॉप पे आता हूँ, थोड़े बहुत कॉइन्स थे मेरे पास जो कि रिवॉर्ड से मुझे मिले थे, और इन सबको बेच के थोड़ा बहुत पैसा बहुत जरूरी है भाई। थोड़े बहुत पैसे कलेक्ट करने के बाद भाई मैं अब अच्छा खासा मटेरियल खरीद सकता था। और हाँ भाई मैंने थोड़े बहुत कंपोनेंट्स बनाए, कुछ काम की चीज़ें थी ये मशीनें वगैरह, जिसमें एक विंडमिल भी थी भाई। ये विंडमिल मतलब हवा से चलती है और बिजली प्रोड्यूस करती है, ठीक है भाई, मतलब पृथ्वी तबाह हो चुकी है एक भी पेड़ ने, लेकिन हवा तो है ना अभी भी, हाँ हवा है एटमोसफेयर पे। तो हाँ भाई कुछ मैंने मेटोलिक इन्फ्यूज़र वगैरह बनाए थे जिसके अंदर मैं कुछ कॉइन्स वगैरह बनाना चाहता था, क्योंकि भाई एक गोल्ड से ना मुझे 3 कॉइन मिल रहे थे, यानी कि एक गोल्ड का बार था जो कि $40 का है, और अगर मैं कॉइन देखूं तो एक गोल्ड का कॉइन 30 रुपये का है, मतलब मुझे एक बार से $90 मिलने वाले थे, यानी भाई 40 में से 90, यानी कि मुझे भाई $50 का फ़ायदा हो रहा था एक गोल्ड बार से। तो भाई अब इसी तरीके से मैं पैसे कमाने वाला था, और मुझे इतने सारे पैसे चाहिए क्यों, क्योंकि मैं खरीदने वाला हूँ वाइट कॉन्क्रीट। इस वर्ल्ड में कॉन्क्रीट बनाना इम्पॉसिबल है, तो भाई मैं बनाने वाला था बहुत सारा वाइट कॉन्क्रीट, और इस वाइट कॉन्क्रीट से अब बनेगा मेरा घर। Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La 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 la, la casa del merengue. La 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 la, y la casa de la bachata. Música de la República. Ajá.
फिलहाल भाई पूरा घर मैंने सेटअप कर दिया था, बस खेती बाड़ी बाकी रहती थी तो ये भी मैंने फटाफट निपटा ली भाई, क्योंकि अपने को खाने पीने की बहुत किल्लत पड़ रही है भाई, तो अपने पास खाने पीने का भी जुगाड़ होना चाहिए, तो ये भी मैंने निपटा लिया भाई। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, अब मुझे ऊपर जाना था और सोना था। अगले दिन उठते ही मैंने सबसे पहले एक काम निपटाया भाई, मैंने एक वेपन वर्क बेंच बना ली जिसमें बहुत सारी बंदूकें थी, एआर थी, बाज़ूका थी, रॉकेट थी, मशीन गन थी, शॉट गन थी, पिस्टल थी, बहुत सारी गने थी, जिसमें से भाई मैं कुछ गने बनाने वाला था फिलहाल, बट अभी मेरे पास नहीं था बनाने के लिए कुछ, तो अभी बनाएंगे थोड़ी देर में। और भाई मैंने कुछ एक्स्ट्रा विंडमिल भी बना ली थी क्योंकि मुझे बहुत सारी एनर्जी की जरूरत थी। मीटियर चेस्ट में मुझे कुछ ग्रास के ब्लॉक्स भी मिले थे, वो मैंने लगा दिया अपने, मतलब क्या बोलूं इसको, खेत बोलूं, नहीं खेत तो अंदर है, इसको बोलते हैं हम पार्क, हाँ ये पार्क सही रहेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे एनिमल स्पॉन हो जाएंगे जब इसमें अच्छी सी घासें उग जाएंगी। फिलहाल मैंने अपने घर की लोकेशन जो है मार्क कर ली थी क्योंकि अब मैं जाने वाला था अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर, और रस्ते में मुझे एंडरमैन भाई साहब जी मिल गए जो कि मतलब मेरे हाथों मारे गए। साथ ही में गए मुझे T-800 नामक एक रोबोट मिला जिसको मारना मेरे एक क्विस्ट था, वो भी कंप्लीट हो गया। साथ में भाई मुझे कोई डंजन वगैरह कुछ भी नहीं मिला, कोई लैब वगैरह नहीं मिली, कोई बंकर वगैरह नहीं मिली, तो मैं खाली हाथ घर पे आ गया। मैं अगले दिन जाऊंगा, मुझे लगता है मुझे और ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा। साथ ही मैं जब घर से बाहर जाऊं तो मेरे घर पे जितनी भी चीज़ें हैं वो चंक लोड रहे, तो भाई वो चंक मैंने जो है सेलेक्ट कर लिया ताकि वो लोड रहे। मैंने कुछ मैश वगैरह बनाए जिसमें कि मैं ग्रेवल को छान करके फ्लिंट बनाता था, और फ्लिंट से जो है इसमें आसानी से गन पाउडर बन जाता, और गन पाउडर से मैं बनाने वाला था बंदूकों की गोलियां। और साथ में गए जो चीज़ मुझे ढूंढनी है ना डंजन्स में, मुझे ढूंढनी है यानी डंजन्स बोले तो भाई कुछ बंकर है, उन बंकरों में मुझे मिलेगी, अलग अलग तरीके के बंकर है, जैसे कि भाई इसमें साइंटिस्टों का बंकर अलग होगा, और स्पेस मॉब्स का अलग होगा, और म्यूटेंट ज़ॉम्बीज का अलग होगा, और मतलब एक्सपेरिमेंट ज़ॉम्बीज का अलग होगा। सब कुछ चीज़ें सेटअप करने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट मारा। अगले दिन मैं उठा तो भाई एक लैब मुझे मिल चुकी थी जो कि आई थिंक साइबर लैब थी, ये शायद साइबर लैब है, तो चलो भाई इसके अंदर जाके देखते हैं कि मैं प्रिपेयर हूँ क्या नहीं हूँ इसमें जाने के लिए। तो सबसे पहले तो भाई मुझे एक एस्ट्रल मिल गया, मतलब ये भी एक रोबोट ही था, और भाई एक स्केली था जिसके हाथ में बहुत बड़ी सी तलवार थी, लगभग इन्होंने मेरे को मार ही दिया था, लेकिन भाई मैं थोड़े रीजनरेशन के पोशन वगैरह लेकर के आया था, मतलब इसमें कैन बनती है रीजनरेशन के जो कि पैसों से मैंने खरीद ली थी शॉप से, तो वो मुझे यहाँ पे काम आने वाली थी। साथ ही में भाई मैं बिल्ड कर रहा था इनको रोकने के लिए, लेकिन मेरा बिल्ड भी ख़राब गया, और भाई मैंने कुछ नए नए तरीके निकाले इनको रोकने के, लेकिन मैंने ज़मीन में गड्ढा खोदा ताकि ये मेरे पास आ ना सके और गड्ढे में गिर जाए। वैसे भी ज़ॉम्बीज और रोबोट ज़ॉम्बीज नासमझ तो होते ही हैं, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे रोबोट ज़ॉम्बीज देखने को मिल रहे थे, और यहाँ पे मुझे कुछ एक मतलब बहुत ही बढ़िया आर्मर मिला जो कि एक्सोस्केलेटन आर्मर था भाई, और मतलब इसकी पावर बहुत पावरफुल थी भाई, तो ये मैंने पहना। और भाई मेरा नाइटमेयर यानी कि इस गेम का जो रोबोट था, गन वाला रोबोट जिसके हाथ में लेजर गन थी, वो मुझे फिर से दिखा, और इस बार भाई मैं उसको छोड़ने वाला नहीं था, तो मैं इसके क्लोज गया धीरे धीरे, और मैंने इसको भाई धराशायी कर दिया, और यही मैं चाहता था। और मुझे अपने एक्सोस्केलेटन वाले आर्मर के बाकी के पीस भी मिल गए, यानी कि जो फीट होते हैं और लैगिंग होती है, और मैंने अपना पूरा ही आर्मर पहन लिया। और सच में गाइज ये वाला आर्मर बहुत ही पावरफुल था, इससे मुझे जंप बूस्ट मिलता था, और उसके अलावा मेरे को 4 हार्ट एक्स्ट्रा भी मिल गए थे। लैब में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन कहीं कहीं पर भाई लैंप भी लगे हुए थे, और मैं जब भी जंप करता था ना तो इस एक्सोस्केलेटन से कुछ अजीब सी आवाज़ आती थी, बम्पर जैसी आवाज़, मतलब जैसे मुझे किसी चीज़ ने पुश किया हो नीचे से, स्प्रिंग जैसी आवाज़, तो यार वो भी थोड़ा इरिटेटिंग थी, लेकिन भाई कोई बात नहीं, झेल लेंगे क्योंकि ये जो आर्मर है बहुत पावरफुल था। उसके बाद मैं लेजेंडरी वाले रूम में आया, और यहाँ पे भाई ज़ॉम्बीज़ को मैंने मारा, अपना टास्क कंप्लीट किया, और मुझे मेरा पहला जो ब्लूप्रिंट था वो मिल गया। फिलहाल मेरे को अपनी पहली अचीवमेंट मिल गई थी, यानी कि रॉकेट का पहला हिस्सा मुझे मिल गया था, तो भाई मैं तो बहुत खुश था, और घर पे पहुंच भी गया मैं। हाँ यार, ये जो बारिश हो रही थी ना, इसमें मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि बारिश जो है ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। और भाई मैंने अपनी बाकी की चीज़ें भी कंप्लीट कर ली, मतलब इसमें ATM वगैरह भी होती हैं, वो भी मैंने लगा लिए। और भाई सच में ये जो ट्यून है ना मुझे डरा देती है माइनक्राफ्ट की। और हाँ, लैब से जो मैं लैंप वगैरह लेके आया था वो मैंने अपने घर में लगाए ताकि मेरे घर में भाई रोशनी हो सके, किसी के घर की रोशनी तोड़ के अपने घर में लगा लो, आजकल तो यही चलता है। चलो छोड़ो, तो अभी गाइज मैंने गन वगैरह खरीद ली थी, और भाई थोड़े एमओ वगैरह बना लिए, यानी कि जो मैंने दो गन थी वो खरीदी थी, एक थी शॉर्ट गन और एक थी AR यानी असॉल्ट राइफल। तो शॉर्ट गन का अच्छा खासा डैमेज था भाई, लेकिन AR का जो डैमेज है वो बहुत कम था, लेकिन
दूसरी एक गलत बात होती है तो एक अच्छी बात भी होती है, शॉटगन की रेंज कम होती है और एआर की रेंज ज़्यादा होती है और एमओ का भी फ़र्क होता है भाई। तो फिलहाल मेरे पास भाई गन वगैरह बन गई थी और एक मैंने एडवांस क्राफ्टिंग टेबल बनाई जिसके अंदर मैं अपने मनपसंद की इंचेंटमेंट कर सकता था। बस हाँ, मेरे लेवल यूज़ होंगे, मेरे पास लेवल होने चाहिए भाई। फिलहाल मैंने फटाफट इंचेंटमेंट करके भाई ये काम जो है निपटा लिया। साथ में मैंने थोड़े से सीड वगैरह लिए और अपने मतलब चिकन वगैरह जितनी भी चीज़ें थी उन सबको भाई खिलाया ताकि वो ग्रो हो सके और बच्चे बच्चे पैदा करे जो कि मेरे को इन फ्यूचर काम आएंगे भाई। और हाँ यार, ये बहुत अडोरेबल था यार, मतलब इस जगह पे जहाँ चारों तरफ मेरे दुश्मन ही दुश्मन है वहाँ पे कुछ दोस्त मिल गए तो यार और क्या चाहिए ज़िंदगी में। फिलहाल मैं निकल चुका था अगले मिशन पर, यानी कि एक और लैब, और उस लैब को मैं ढूंढ रहा था यार। मेरे को बहुत दूर जाना पड़ता था लैबोरेटरीज ढूंढने के लिए, बहुत ज़्यादा 10-10 हज़ार ब्लॉक दूर जाना पड़ता था मुझे, लेकिन मेरे लिए थोड़ा बहुत आसान भी था। मैं बिल्ड करता था और सीधा निकल जाता था ग्लाइड करके। रास्ते में मेरे को एक चीज़ मिली, मतलब एक अजीब सा ही स्ट्रक्चर था ये, और इसमें मतलब पेड़ वेड़ से बना हुआ था। इसके अंदर कुछ बीन्स थी, मैजिकल बीन, जो कि मैं घर पे जाके यूज़ करके देखूंगा भाई क्या है वो, क्योंकि ये वेस्टलैंड के डर्ट में तो उगने वाला है नहीं, इसको मेरे को नॉर्मल डर्ट में उगाना पड़ेगा इस बीज को, मैजिकल बीज को। साथ में मुझे भाई कुछ लिविंग कोर वगैरह दिखे जिसको अगर आप लगा दे तो भाई इसके चारों तरफ वुड वगैरह उग जाती है अपने आप ही, मतलब ये एक तरह का मैजिकल था भाई जो भी था। चलो मैंने ले लिया, इसको काम आ जाएगा इमरजेंसी में कभी भी जब मेरे को लकड़ी चाहिए होगी। साथ में मुझे एक लैब मिल गई थी जो कि थी मिलिट्री लैब। अब इसके अंदर मिलिट्री सोल्जर्स होने वाले थे बहुत सारे, उनको मुझे मारना था, ब्लूप्रिंट ढूंढना था और फिर यहाँ से निकलना था। साथ में भाई यहाँ पे कुछ मेरे को ऑक्सीजन के बॉक्स वगैरह भी मिल गए। आई थिंक ये कोई मिलिट्री लैब नहीं, ये स्पेस लैब होने वाली है। यस गाइस, देखो यहाँ पे एक रोबोट है लेज़र वाला जो कि लेज़र से मेरे पे वार कर रहा है। फिलहाल जब से मैंने ये वाला आर्मर पहना ना तो मेरे को डैमेज जो है ना वो बहुत कम पड़ता है। और भाई मुझे इस जो लैब का वो मेन रूम ढूंढना था यार। ये जो लैब होते हैं ना, जो बंकर है, ये भाई भूल भुलैया की तरह बनाए गए हैं। इनमें जो मेन कमरा होता है ना उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है जहाँ पे आपको मेन चीज़ मिलती है। एंड फाइनली मुझे यहाँ पे जो पेपर था ना वो पेपर मिल गया। और यार इन ज़ॉम्बीज़ का साइज़ कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये इवॉल्व ज़ॉम्बीज़ है। इवॉल्व मतलब जैसे पोकेमोन को इवॉल्व करते हैं ना एक्सपेरिमेंट करके, मुझे लगता है ज़ॉम्बीज़ पे भी एक्सपेरिमेंट करके इनको इवॉल्व किया था। तो वहाँ से मेरे को मार्स का पेपर मिल गया, घर पे आके मैंने मैजिकल बीन्स उगाए और ये तो सच में ही मैजिकल है भाई। तो दूसरा वाला भी मैंने उगा दिया। फिलहाल मेरे को जो लैब थी वहाँ से एक पेपर मिला था, पेपर को मैं टेलीस्कोप बनेगा उसमें डालूंगा तो मैं नए नए ग्रहों की जो है ग्रह मतलब जो प्लैनेट है उनका खोज कर सकता हूँ। फिलहाल मेरे को मार्स पे जाना है तो मैं मार्स की खोज कर सकता हूँ उससे। और भाई जब बारिश हुई तो मैंने देखा नीचे आके कि ये जो बारिश थी ना ये नॉर्मल बारिश नहीं थी भाई, जैसे कि नॉर्मल बारिश होती है ये नॉर्मल बारिश नहीं थी, ये एसिड रेन थी। मतलब गाइस जो अर्थ का इन्वायरमेंट है वो इतना ख़राब हो चुका है कि कभी कभार जो यहाँ पे ना उसकी बारिश होती है, एसिड बारिश होती है। तो भाई अभी अभी मेरे नए दोस्त बने थे यार, बड़ी मुश्किल से स्पॉन हुए थे ये। इन्हें मरने से पहले मेरे को इनको छत देनी थी भाई ताकि ये मर ना जाए इस एसिड रेन में। हालांकि मैं भी डैमेज हो रहा था, मेरा आर्मर भी डैमेज हो रहा था इस रेन में, लेकिन फिर भी भाई मुझे वो झेलना पड़ा क्योंकि मेरे को इनको बचाना था भाई, ये नहीं तो कुछ नहीं। फिर उसके बाद पता नहीं कब स्पॉन होते, इसलिए मेरे को इनको बचाना बहुत ज़रूरी था। फिलहाल बारिश ख़त्म होने के बाद भाई मैंने छत हटा दी, बाकी एक टेम्परेरी छत मैं बनाऊंगा यहाँ पे, बारिश कभी भी हो जाती है एसिड वाली। अगले दिन मैं जागा तो मैं गया एक फेल लैब में। ये एक फेल लैब है जिसके अंदर जाके भाई मुझे एक पिकैक्स मिली, अजीब सी पिकैक्स थी भाई, मतलब अनब्रेकेबल थी, उसमें फॉर्चून वगैरह डला हुआ था, अनब्रेकिंग भी डला हुआ था। तो यहाँ पे ये फेल्ड लैब इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया गया था और वो एक्सपेरिमेंट सारे फेल हो गए थे, इसलिए इसका नाम है फेल लैब। ये मिलिट्री लैब, आई थिंक ये मिलिट्री लैब है। इसके बाद मैं मिलिट्री लैब में गया जहाँ पे लगभग मेरे को भाई सारे के सारे एलियनों ने, पता नहीं एलियन नहीं थे रोबोट थे, इन्होंने मुझे घेर ही लिया था मारने के लिए, लेकिन मैं जैसे तैसे भाई एक्सोस्केलेटन जो आर्मर है उसकी वजह से भाई बच गया। और थोड़ी देर बाद फाइट करने के बाद मेरे को यहाँ से एक ड्रिंक मिली थी, रेनबो ड्रिंक, इससे मेरे को बहुत सारी पावर मिलती थी, मतलब हेस्ट वगैरह, स्पीड वगैरह, जंप बूस्ट वगैरह, नाइट विजन, बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। ये रेयर होती है एक तरह से, बाकी मैं इस वाली ड्रिंक को ना अपनी शॉप से भी खरीद सकता हूँ, लेकिन बहुत महंगे यार, $1,000 की कौन खरीदेगा भाई, लेकिन मेरे को यहाँ से फ्री में मिल गई थी। और अब गाइस मैं जो मेन लैब थी, यानी कि ये जो लैब है इसको बोलते हैं लेबोरेटरी। अब ये जो मेन लैब है ना ये साइंटिस्टों की, मतलब ये जो म्यूटेंट साइंटिस्ट है ना, जो साइंटिस्ट हो ना अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया, ये वो हैं। लेकिन एक चीज़ अलग थी गाइस, ये मेरे पे अटैक नहीं कर रहे थे, ये मोब्स पे अटैक कर रहे थे,
तो ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई कि ये जो म्यूटेंट साइंटिस्ट है ये ज़ॉम्बीज़ पर अटैक कर रहे थे, मेरे पे अटैक नहीं कर रहे थे। तो मेरे को तो इनसे कुछ खतरा नहीं था, और यार वैसे खतरा होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी की, ज़ॉम्बी नहीं, एक म्यूटेंट साइंटिस्ट की जो हेल्थ है ना वो लगभग एंडर ड्रैगन के बराबर थी, मतलब 250 हार्ट। भाई मायने रखता है यार, वैसे एंडर ड्रैगन की कितनी हार्ट है यार, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो भाई यहाँ पे जो है ना, मैं ये लैब लूट करके चल पड़ा था, और यहाँ से मेरे को बहुत सारी चीज़ें मिल गई थी, साथ में जो मेरा मेन चीज़ थी ब्लूप्रिंट रॉकेट का वो भी मिल गया था। तो अभी मेरे पास भाई सारे के सारे ब्लूप्रिंट आ चुके थे रॉकेट के, तो मुझे अब असेंबल करना था रॉकेट। लेकिन आप लोगों को ये याद है ना मैजिकल बीन्स, तो इनको भी चेक कर लेते हैं भाई ये क्या है। तो फिलहाल मैं इसके ऊपर चढ़ गया, और ऊपर चढ़ने के बाद गाइस मुझे इसमें कुछ दिखा, मतलब इसमें कुछ लगा हुआ था ऊपर की तरफ, तो ये तो भाई टॉप पे जाने के बाद ही पता चलेगा। तो जैसे मैं इसके टॉप पे पहुंचा, तो यहाँ पे देखा मैंने कि कुछ ब्लॉक जैसा कुछ लगा हुआ है, तो इसको तो मैं नहीं तोड़ सकता था भाई। तो मैंने सोचा पहले मैं सामने वाली बेल की तोड़ता हूँ ब्लॉक, फिर उस पे चढ़ के इस वाले की तोड़ दूंगा। तो भाई मैंने अपनी पिकेक्स हाथ में ली, यानी कि पैक्सल, और इसको लगाया और तोड़ना शुरू किया। एंड लिटरली गाइज इसमें से गोल्डन एप्पल वगैरह और डायमंड गिरते हुए दिख रहे थे मुझे। फिलहाल मेरे को अभी दूसरी वाली बेल का भी तोड़ना था, ये फल आई थिंक इसका, क्योंकि माइनक्राफ्ट में सब चौकोर होता, तो ये भी चौकोर दिख रहा है। और भाई नीचे आने में मेरे को बहुत आसानी हो गई, मतलब ग्लाइडर की मदद से मैं बहुत आसानी से नीचे आ गया। और नीचे आते भाई सबसे पहले मैंने लूट को जो है उठाया, उस लूट में एक स्पेशल चीज़ थी, यानी कि गोल्डन एग। अब ये गोल्डन एग से भाई गोल्डन चिकन निकले। अब मुझे नहीं पता ये चिकन का क्या काम है, क्या ये सोने का अंडा देंगे, आई डोंट नो। फिर गाइस मैंने टेलीस्कोप भी बना लिया, और ये टेलीस्कोप भाई हमेशा मेरे को चौंका देता है, मतलब कानों में दर्द कर देता है, इतनी तेज आवाज आती है भाई अचीवमेंट्स की। तो ये टेलीस्कोप के अंदर अब ये पेपर डलेगा, और इस पेपर में गाइस बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है, यानी मार्स की जो है वो छुपी हुई है चीज़ें। अब इससे मैं मार्स को डिस्कवर करूंगा। और मेरे को एक बैटरी भी मिली थी भाई, जो कि यूज़लेस थी, एक तरह से इनफाइनाइट बैटरी थी लेकिन यूज़लेस थी। फिलहाल मार्स मैंने डिस्कवर कर लिया था। अब मुझे यहाँ पे भाई एक गड्ढा खोदना था बहुत बड़ा, और उसमें पानी भरना था, क्योंकि मैं चाहता था कि यहाँ पे स्क्वाड्स जो है ना वो स्पॉन हो जाए। अब स्क्वाड्स क्यों चाहिए भाई मुझे, क्योंकि उनसे चाहिए मुझे ब्लैक डाई। और ये पता नहीं भाई कहाँ कहाँ से घुस जाते हैं मेरे बागीचे में, मतलब पार्क में जो भी है। और अगले दिन मैंने, और अगला दिन तो भाई मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, ये 3-4 दिन में स्पॉन हुई है। और हाँ भाई मैंने अपनी जो तलवार थी उस पर मैक्स इंचेंटमेंट कर ली थी, और लूटिंग भी लगा दिया था मैंने, ताकि मेरे को बहुत सारी इंक सैक मिल सके। इससे मैं बनाने वाला था एडवांस क्राफ्टिंग टेबल, और एडवांस के बाद एक और एडवांस आती है गोल्डन कलर की, ये बनाने वाला था, और ये मैंने बना ली थी। तो अब मेरे को बनाने थे रॉकेट के सारे पार्ट, जो कि टॉप, बॉटम, मिडल और डाउन, ये सारे के सारे चारों पार्ट मेरे को बनाने थे। और ये बनने के बाद रॉकेट को मैं असेंबल करूंगा और निकल जाऊंगा इस अर्थ से सीधा मार्स की तरफ। तो इंडिया का पहला रॉकेट था जो वो साइकिल पे आया था, और तुम्हारे भाई का जो पहला रॉकेट है वो हाथ से आएगा, मतलब हाथ से लेके जाऊंगा मैं नीचे। उसके अलावा गाइस मैंने रिफाइनरी वगैरह भी लगा ली थी। अब रिफाइनरी के लिए चाहिए था तेल, यानी कि ऑयल। ऑयल को छान करके भाई मैं मतलब इसमें डालने वाला था, फिर उसको रिफाइंड करने वाला था, और उसके बाद रॉकेट में डलेगा। और उसके साथ ही भाई मैंने ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लगा ली थी। और ये ऑक्सीजन बबल जो निकल रहा है ना, ये क्या है गाइज? ये एक ऐसी मशीन है जिसको मैं मार्स पे लगाने वाला हूँ, और ये मुझे ऑक्सीजन देगी वहाँ पे बिना मेरे ऑक्सीजन टैंक के, मतलब वहाँ पे एक तरह से मेरे लिए घर की तरह ये बना देगी। और ये वैसे अर्थ पे ही काम करती है, इसको मार्स पे काम करवाने के लिए इसके अलग कंपोनेंट्स हैं, जो कि आपको बाद में पता चलेंगे जब मैं मार्स पे जाऊंगा। उसके अलावा गाइस मार्स की तैयारियां मेरी हो चुकी हैं, तो भाई अब जो है अपना आर्मर बनना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्स पे जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड है। हाँ, तो ये एक मैंने जो है अपना थर्मल पैड बना लिया, जो कि मैं आर्मर के नीचे पहनने वाला हूँ। ये चीज़ अच्छी है भाई, तो ये आर्मर के मैंने नीचे पहन लिया। 3 तरह के आर्मर मैंने पहना हुआ था, अपना स्केलेटन और थर्मल पैड और स्पेस के लिए स्पेस सूट। और उसके अलावा गाइस मैंने अपनी ड्रिंक जो है ली, जिससे मुझे नाइट विजन मिला, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। तो ज़मीन के नीचे बहुत सारा ऑयल मिलता है भाई यहाँ पे वेस्टलैंड में, मतलब एक तरह का पूरा जो अर्थ है वो दुबई बन चुका है, बहुत सारा तेल ही तेल, पैसा ही पैसा भाई, काला सोना। तो भाई मैंने रॉकेट के लिए अपना पैड बना लिया, और इस पैड के ऊपर मैं रॉकेट को असेंबल करने वाला था, यानी 1x1। तो पहला हिस्सा लगाया, दूसरा लगाया, फिर उसके बाद मैं बिल्ड करके थोड़ा ऊपर की तरफ गया। कई बार मैं गिर भी जाता था भाई, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ जो फटाफट से रॉकेट बना लूँगा, रॉकेट बनाना इतना आसान भी नहीं है। तो रॉकेट पूरा असेंबल होने के बाद भाई ये बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था, बहुत ह्यूज दिख रहा था,
और हाँ भाई, इसके अंदर पेट्रोल डालना, मतलब पेट्रोल नहीं, इसमें अलग तरीके का फ्यूल डलता है, वो डालना बहुत जरूरी था। तो डाला मैंने और मैं सो गया। अगले दिन उठा मैं, तो उठने के बाद आप लोग देख रहे हो मेरे हाथ में M249 है, यानी कि एक मशीन गन है जो कि मैंने शॉप से परचेज किया है। भाई अब इतना सारा पैसा लेके कहाँ जाऊँगा मैं, कुछ ना कुछ तो खरीदना ही था। और वैसे भी मैं एलियनों से लड़ने जा रहा हूँ भाई, कुछ अच्छे हथियार तो होने चाहिए। तो अब मैं बैठने वाला था सीधा का सीधा रॉकेट में और निकलने वाला था मार्स की तरफ। मार्स पर झंडा गाड़ने के बाद और अपना पहला पेड़ उगाने के बाद और भाई टेम्परेरी घर बनाने के बाद मैं एक छोटे बॉस के एरेना में आ गया। और यहाँ से मुझे एक की मिलेगी और उस की से मैं एक चेस्ट खोलूँगा और उस चेस्ट में कुछ स्पेशल वेपन मिलेंगे जिससे मैं एलियन को मार सकता हूँ। मैं मतलब इन नॉर्मल वेपन से नहीं मार सकता एलियन को। तो भाई अब इस बॉस को मारना था मुझे। एक अजीब सी आवाज़ के साथ भाई ये बॉस मर गया और इससे मुझे मिल गई है की। अब इस की से ये वाला चेस्ट खुलेगा और इसमें मुझे मिलेगा वेपन जिससे कि मैं एलियन के साथ फाइट कर सकता हूँ। तो भाई ये वो वेपन्स हैं जो मुझे यहाँ से मिल गए हैं, साथ ही में कुछ भाई ऑयल कैनिस्टर वगैरह भी मिल गए हैं, मेरे को बाद में काम आ सकते हैं, मतलब आ जाएंगे अगर आएंगे तो। तो भाई इनका साइज़ देखो गाइस, तो भाई जिस तरीके के वेपन का साइज़ है मुझे लगता है भाई वो एलियन भी कुछ इसी साइज़ का होगा, मतलब काफ़ी बड़ा होने वाला है। तो अब मुझे उस एलियन को ढूंढना था भाई इस बहुत बड़े मार्स पे। वैसे मार्स का साइज़ मैं आपको बताऊँ ना, पृथ्वी से बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई, मतलब ये अगर हम यहाँ पे दुनिया बसाएंगे तो बहुत बड़ा होगा। साथ ही में गाइस मुझे एक अजीब सा राक्षस दिखा भाई, ये कोई डेमन वगैरह था, तो इसको मैं मारने लग गया। ये काफ़ी अच्छा हेल्थ डैमेज दे रहा था मुझे, इसके पास कोई लेज़र थी, मतलब ये कोई एलियन था। और इससे फाइट करते करते भाई मैं पहुँच गया एलियनों के अड्डे पे, यानी कि जो मेन एलियन था। और भाई आई थिंक मुझे ये लग रहा था कि जैसे मुझे कोई चैलेंज दे रहा हो। सच में गाइस ये जो है ना बहुत ज़्यादा डरावना है भाई, और अब इसी से ही मुझे फाइट करनी है।
सो गाइस, काफी बड़े सफर के बाद और इतनी मेहनत के बाद, मार्स पे पहुंचने के बाद हमें जो मिशन मिला था आगे से, वो हमने कंप्लीट कर लिया और हमने 100 डेज सरवाइव कर लिए पूरे और अभी तक हम जिंदा है। हाँ, वो बात अलग है, मैं बहुत बार ये मर चुका हूँ, ठीक है। मतलब हार्ड कोर था ये, हार्ड कोर वो वाला हार्ड कोर नहीं था, वन लाइफ वाला हार्ड कोर नहीं था, लेकिन हाँ हार्ड कोर था काफ़ी ज़्यादा, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। तो अगर आप लोगों को भाई ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही कॉन्टेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे पहले कि मैं अपनी सांसें तोड़ दूँ यहाँ पे ऑक्सीजन के बिना। तो फटाफट से लाइक कर दो, पूरी वीडियो में कहीं भी नहीं बोलता लाइक करने के लिए, एंड में जरूर बोलता हूँ भाई, लाइक और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ये मेरी मेहनत का फल होगा अगर आप लोग करोगे तो। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले भाई, अपडेट्स के लिए। और भाई वीडियो लेट इसलिए आया क्योंकि भाई मैं पापा बन चुका हूँ, ये तो आप लोगों को पता ही है। ऊपर से गाइज मेरे पीसी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिससे मेरे 4 दिन बर्बाद हुए, मतलब 4 दिन पहले आनी थी ये वीडियो और नहीं आ पाई, 4 दिन लेट हो गई। कोई बात नहीं गाइस, अब आगे से जो वीडियोस है वो बहुत जल्दी आएंगे, मतलब 3 दिन में, तो 3 दिन तो मुझे लगते हैं वीडियो बनाने में भाई। और हाँ यार, एक चैनल है जो कि मेरे भाई का ही है और आप उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इन फ्यूचर मैं उनके साथ गेम खेलने वाला हूँ और आप लोग मेरे साथ खेलना चाहते हो तो भाई उस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सबसे ऊपर। जाओ और जाके अपनी 4x4 आर्मी की एक बार पावर दिखा दो भाई को, कम से कम भाई 1000 सब्सक्राइबर तो भाई के हो जाने चाहिए, बाकी देखते हैं क्या पावर है भाई 4x4 आर्मी की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट, एंड एज ऑलवेज, चाओ चाओ। भाई मार्स पे कैसे सोते हैं बिना बेड के? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फिर कैसे सोएं भाई?